तो दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर है और आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो रखा है और आपने अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में आईडी वेरिफिकेशन कर रखा है और उसके बाद आपने पिन के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन जो आपका गूगल एडसेंस पिन है अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ या आपको अभी तक एड्रेस पे आपको अभी तक मिला नहीं है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप री अप्लाई कैसे कर सकते हैं एडसेंस पिन के लिए, दोबारा कैसे अप्लाई कर सकते हैं गूगल एडसेंस पिन के लिए। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि कितने दिनों के बाद आपको गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिले। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे दोबारा अप्लाई करते हैं गूगल एडसेंस पिन को। सबसे पहले आपको अपना गूगल पे आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, उस ईमेल आईडी से जिस भी ईमेल आईडी से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, और फिर उसके बाद आपको गूगल में लिखना है पिन ट्रबल शूटर, जैसे कि इधर मैंने लिखा हुआ है, और फिर इसको गूगल पे आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एडसेंस पिन ट्रबल शूटर गूगल सपोर्ट, तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कन्फर्म योर ईमेल पूछेगा, और इसके बाद देख सकते हैं आपके इधर ईमेल आईडी लिखी हुई है, तो ये पूछ रहा है क्या इसी ईमेल आईडी से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। अगर आपका इधर वो ईमेल आईडी नहीं आ रही जिस भी ईमेल आईडी से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं गूगल अकाउंट है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको वो वाली ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर इधर आपका वो ईमेल आईडी आ जाएगा। तो जैसे कि मेरा इधर ईमेल आईडी आ रखा है और इसी ईमेल आईडी से मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर यस पे क्लिक कर दूंगा। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद यहाँ सेकंड स्टेप आ गया पिन अराइवल चेक। क्या आपको अभी तक गूगल एडसेंस का पिन मिला है? अगर आपको नहीं मिला है तो 9 पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें गूगल एडसेंस का पिन नहीं मिला है, तो यहाँ पर सिंपली आपको 9 पे क्लिक करना है और कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आपकी इधर ये पब्लिशर आईडी दिख जाएगी, यहाँ पर आपकी पूरी पब्लिशर आईडी दिख जाएगी, और यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस पेंडिंग वेरिफिकेशन लिखा हुआ है कि अभी तक हमने जो गूगल एडसेंस का जो पिन है अभी तक वेरीफाई नहीं करा, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और नंबर ऑफ पिन सेंड कितने बार आपके एड्रेस पे पिन सेंड किया गया है, 2 बार, लेकिन मुझे अभी तक गूगल एडसेंस का पिन मिला नहीं है। इनकी तरफ से तो 2 बार सेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक मेरे घर पे गूगल एडसेंस का पिन आया नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट पिन सेंड डेट, जो लास्ट पिन सेंड करा था वो इतनी डेट को करा था, इनकरेक्ट अटेम्प्ट तो यहाँ पर 0 है, और वेरिफिकेशन डेडलाइन की लास्ट इसकी मतलब आखिरी डेट कब तक आप गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई कर सकते हैं, तो इतनी तारीख से पहले आपको अपना गूगल एडसेंस का पिन वेरीफाई कर लेना है। अगर इतनी तारीख से पहले आप अपना गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई नहीं करते तो जो आपके वीडियो पे एड्स आ रही है यूट्यूब की तरफ से वो बंद हो जाएगी, तो ये वेरिफिकेशन डेडलाइन मतलब यही होता है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक डेट और आ जाएगी, इधर यहाँ पर देख सकते हैं नीचे इधर एक डेट आ रही है, तो जैसे भी मेरी जो डेट आ रही है 9 नवंबर 2021 तक आ रही है, तो मतलब जो उन्होंने गूगल एडसेंस का पिन भेजा है दूसरी बार में, यहाँ पर 2 बार मैंने अप्लाई कर चुका हूँ, तो दूसरी बार में जो गूगल एडसेंस का पिन जो उन्होंने भेजा है तो वो 9 नवंबर तक मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर 9 नवंबर तक मुझे वो गूगल एडसेंस का पिन नहीं मिलता तो उसके बाद मैं रीसेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ, तो यानी देख सकते हैं यहाँ पर मुझे डेट इधर मिल चुकी है कि 9 नवंबर तक मुझे रीसेंड वाला ऑप्शन क्लिक नहीं कर पाऊंगा मैं, और यानी 10 नवंबर या 11 नवंबर को मैं रीसेंड वाला ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो यानी अगर मैं 9 नवंबर से पहले रीसेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह मैसेज आ जाएगा, यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्ट अ पिन, यू कैन ओनली रिक्वेस्ट अ न्यू पिन एवरी 3 वीक। इस तरह मैसेज आ जाए कि हर 3 हफ्ते के बाद मैं रीसेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ, तो जो रीसेंड वाला ऑप्शन है उसको हम 3 बार बस क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद अगर नहीं आए तो आपको ईमेल आईडी से ही वो वेरीफाई हो जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा, फिर यहाँ पर इधर थैंक यू का मैसेज आ गया। अब सिंपली आपको अपना गूगल एडसेंस को लॉगिन कर लेना है, तो सिंपली सबसे पहले आपको गूगल पे गूगल एडसेंस लिखना है और इसको सर्च कर देना है।
सर्च करने के बाद यहाँ पर गूगल एडसेंस आ गया, इस पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट इधर आ चुका है और सिंपली आपको इधर यहाँ देख रहे होंगे वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस। तो इस पे इन्होंने जो पिन सेंड करा था वो करा था 20 अक्टूबर को, मुझे जो सेंड करा था 20 अक्टूबर को सेंड करा था। इधर आपकी जो डेट आ जाएगी जब भी आपको सेंड करा होगा यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी। और ये बोल रहे हैं इट शुड टेक 2-4 वीक, यानी 2 से 4 हफ्ते लग सकता है, लेकिन अभी तक जो मेरा गूगल एडसेंस पिन है वो रिसीव ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आपका ऐसा है तो सिंपली यहाँ पर पेमेंट में भी जा सकते हैं, पेमेंट में जाकर वेरिफिकेशन चेक पे क्लिक कर सकते हैं तो भी यही पेज ओपन हो जाएगा, सेम है, आप कैसे भी ओपन कर सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करने का यहाँ पर बोल रहे हैं एंटर द पिन वी मेल टू योर बिलिंग एड्रेस, क्योंकि अभी तक जो हमारा पिन है वो तो रिसीव हुआ नहीं, तो यहाँ पर हम अपना पिन तो डाल नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, रीसेंड पिन पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपकी तो डेट आ रही होगी, जब आपने पिन ट्रबल शूटर पे जो देखा था डेट, यहाँ पर जैसे मेरी इधर आ रही है 9 नवंबर, तो यानी 9 नवंबर के बाद आपको जो डेट आ रही उसके बाद आपको रीसेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर उसके अंदर रीसेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह मैसेज आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर लिखा होगा यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्ट अ पिन, यू कैन ओनली रिक्वेस्ट अ न्यू पिन एवरी 3 वीक, कुछ इस तरह मैसेज आएगा। आपका रीसेंड पिन वाला जो ऑप्शन होगा वो काम नहीं करेगा। तो याद रहे जो आपकी यहाँ पर डेट आ रही उसके अगले दिन आपको अप्लाई करना है। जैसे इधर मेरी जो डेट आ रही 9 नवंबर आ रही है और जो आज डेट है वो है 11 नवंबर। जैसे मैं आपको आज की डेट दिखा देता हूँ, आज की डेट है, यहाँ पर मैंने गूगल पे मारा टुडे डेट, तो आज की डेट है 11 नवंबर। तो उधर 9 नवंबर दिखा रहा था पिन ट्रबल शूटर में, तो इधर 11 नवंबर, तो यानी मैं रीसेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो सिंपली आपको उसी पेज पे आ जाना है गूगल एडसेंस पे और यहाँ पर जो आपको रीसेंट पिन का जो इधर ऑप्शन मिल रहा है तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बिलिंग एड्रेस मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस चेक कर लेना है कि जो आपने एड्रेस लिखा है वो सही है या इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है आपको। अगर कुछ करेक्शन करना है तो सिंपली आपको इधर अपडेट एड्रेस पर जाकर आपको अपना एड्रेस को करेक्शन कर लेना है। तो जैसे जो इधर मेरा एड्रेस दिखा रहा है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर रीसेंट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप रीसेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपके पास एक ईमेल पे भी आ जाएगा। जैसे मैं अपना मेल दिखा देता हूँ आपको, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल एडसेंस, यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड वेरीफाई योर पेमेंट। तो इस वाले मेल को एक बार ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है वी सेंट यू अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी पिन, आपको पिन दोबारा भेज दिया गया है आपके एड्रेस पे और अब आपको 2 से 4 हफ्ते का वेट करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको गूगल एडसेंस पे री अप्लाई करना आ गया होगा पिन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी।